27 सितंबर को भारत बंद आह्वान को वामपंथी दलों ने बंद कर सफलता हेतु SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया रिवेन्यूशन फोरम ने मुंगेर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस मुंगेर रेलवे स्टेशन परिसर से निकलकर पूरब सराय नीलम मोड़ होकर किला परिसर मुंगेर में सभा तब्दीलीन हो गई। जुलूस का नेतृत्व SUCI के जिला कमेटी सचिव कॉमरेड कृष्णदेव साव ने किया। जुलूस में शामिल लोगों ने भारत सरकार के 3 काले कानून वापस लो, बिजली बिल 220 वापस लो, पूंजीपतियों का दलाली करना केंद्र सरकार मुर्दाबाद। मुख्यालय पर मुख्य रूप से प्रवक्ता थे SUCI के जिला सेक्रेटरी कृष्णदेव साव, SUCI के सदर प्रभारी रविंद्र मंडल, ऑल इंडिया डिफेंसरी फोरम के संयोजक फादर शहद ने AIDSO के कॉमरेड विकास ने संबोधित किया। आज का यह प्रोटेस्ट किस संदर्भ में है? आज का ये प्रोटेस्ट किसान के जो पिछले दिनों से लंबी लड़ाई चल रही है कि 3 काले कृषि कानून को तुम वापस लो, उसी कानून के वापस के लिए और 2020 बिजली बिल वापस के सवाल पर हमारी प्रिय पार्टी SUCI कम्युनिस्ट एवं हमारा किसान संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के आह्वान पर पूरे देश में देशव्यापी 27 सितंबर हम लोग बंद का कॉल किए हैं कि ये सरकार जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। मुख्य रूप से क्या डिमांड है इसमें है कि 3 काले कृषि कानून को ये सरकार अविलंब वापस ले, MSP की गारंटी करे, ये किसानों के खेतों को अडानी अम्बानी के हाथों में देना बंद करे और 2020 बिजली बिल जो जन विरोधी बिजली बिल है इस अध्यादेश को सरकार वापस ले, यही मूल ये है हम लोग का सवाल। आपका लंबे समय से यह किसान आंदोलन का संघर्ष चल रहा है, अगर इस आंदोलन के संदर्भ में सरकार कुछ निर्णय नहीं लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि संयुक्त किसान संघर्ष समिति की ओर से जो निर्णय ली जाएगी पूरे देश के अंदर हमारा संगठन तहे दिल से इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें रफ्तार देंगे, गति देंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेती सरकार। आपका नाम? हमारा नाम कॉमरेड कृष्णदेव साह, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के मुंगेर जिला सचिव। किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद का कॉल दिए हैं, भारत बंद को लेकर आपकी क्या क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों का भारत बंद के सिलसिले में मुंगेर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम लोगों का प्रोसेशन निकला था, अभी जिला के अंदर शहीद स्मारक पर इसका समापन हुआ है। हमने किसी दिन में यहाँ पर भारत बंद का जो मूल कारण था उसके बाद देश भर में भारत बंद को जो है जिस तरह से अपेक्षाकृत हम लोग के लिए जो है सफलता मिली है, हम लोग ऐसे तमाम जनवादी संगठनों को जो इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है सामाजिक दल है, हम ऐसे तमाम संगठनों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और किसानों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनके तमाम जनवादी संघर्षों में मुंगेर की जनता की ओर से हम जितने भी साथी हैं 150-200 हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। जो भी निर्णय उन लोगों का रहेगा हम लोग उसके जो है यस बॉस करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम फरोज शकूर है। किस संगठन? किसान आंदोलन को लेकर जो है भारत बंद का कॉल है, इसमें आप लोगों की भी भागीदारी रही है, तो आप लोग इस संदर्भ में क्या कहते हैं? हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पूरे भारत में हम लोग किसान के साथ हैं और किसान संयुक्त मोर्चा जो 10 महीने से बैठी जो भी तीनों किसी काले कानून वापस लेने की बात हो रही है सरकार सुन नहीं रही है, तो हम सरकार से जब तक नहीं लेती है ये आंदोलन चलेगा, हम किसानों के साथ हैं, हम सारी महिलाएं किसानों के साथ हैं। आपका नाम? हमारा नाम रेणी, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की नेत्री।